आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति आई सामने। पंजाब में अशांति का माहौल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी कई ऐसे काम कर रही है जिससे पंजाब में माहौल खराब किया जाए। पिछले दिनों कुरान की बेअदबी के मामले में दिल्ली के विधायक को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीते दिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मंजीठिया को नशे का तस्कर बने होल्डिंग लुधियाना में लगाए हैं, जबकि इसी मामले में केजरीवाल पर विक्रमजीत सिंह मंजीठिया ने मानहानि का मुकदमा अमृतसर कोर्ट में डाला था, जिसकी जमानत केजरीवाल को लेनी पड़ी। केजरीवाल ने अपनी राजनीति देश के राजनेताओं पर आरोप लगाकर शुरू की थी, मगर आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इस पूरे मामले पर अकाली नेता गुरदीप सिंह गोशा, प्रधान यूथ अकाली दल शहरी, का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखो, एक बिल्कुल मुद्दाहीन ये गल्लां जिहड़ियां केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल की टीम सीए अज लुधियाने सीए गोयल नाम का एक बंदा है, कोई इन्हों का समर्थक है कि उन्हें बोर्ड लाए थे। मैं जो उन्होंने आप ही फोन पर गल की तो कहते सू उपरों ऑर्डर आए हैं। मैं समझता कि इन्हों एक मुद्दा चाहिए हों भी किसी तरीके से प्रेस के आ सकी, पुठे सीधे मुद्दे करते हैं। केजरीवाल से तो जो केस बना पै गया, जोड़े लोग मगर लेले बन के जो काम कर रहे हैं उन्होंने असं ताकत करते हैं कि जो तत्थों गल कर, जे लीडरी करनी है ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ। उधर दूसरी तरफ इस संबंधित जब नगर निगम के डिप्टी मेयर आरडी शर्मा के साथ बात की तो उनका कहना था, सरकारी प्रॉपर्टी पर लगे होर्डिंग बोर्ड पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिस पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं आरडी शर्मा को। देखो, कोई भी पोलिटिकल बोर्ड अगर लगा हुआ है शहर के विच तां वो अलीगल बोर्ड है, इहदे कोई शक नहीं है। उहदे लई असीं अपने अफसर, मैं मेयर साहब और कमिश्नर साहब नाल भी गल करूंगा, और जिहड़े अफसरां ने लगाए आ असीं कहांगे कि उन्हां ते भी कार्रवाई करो, और जिहड़े अनलीगल बोर्ड लगे आ लथने चाहीदे आ, चाहे वह किसी भी पोलीटिकल पार्टी के। उहदे ते जुर्माना भी आ और उहदे ते एफ आई आर भी दर्ज होण दे हदायतां। आम आदमी पार्टी के जिहड़े बोर्ड लगे आ, मैं तां इह गल कहूँगा कि अपने आप नूं बड़ी ये साफ सुथरी पार्टी कहिंदी है, और दिल्ली दे विच जो हालात है, जाके जे तुसीं लोकां नूं पुछो तां तुहानूं सारी गल दा चानण हो जाएगा, और इत्थे की हालात बनांदे पए ने। जिहड़े इन्हां ने आम आदमी पार्टी ने बोर्ड लगाए ने, भी अनलीगल बोर्ड ने, इन्हां ते कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा। कि मंजीठिया चिट्टे का व्यापारी है, मैं खुद एक बार नहीं हज़ार बार कहूँगी कि मंजीठिया चिट्टे का व्यापारी है, क्योंकि यह झूठा इल्जाम साढ़े अरविंद केजरीवाल से लगे। मानहानि का दावा, जिहदा मान ही है नहीं, वह मानहानि का दावा की करेगा। सारी दुनिया बोलती है कि मंजीठिया चिट्टे का व्यापारी, इस करके सारे लोगों ने अपने आप ही पोस्टर लाए हुए हैं। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਤੇ। ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। आपको बता दें, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर भी कई गंभीर आरोप केजरीवाल ने लगाए थे, मगर सत्ता में आने के बाद उन्होंने कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किया। ये थी लुधियाना से संजय सैनी की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।